क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर सिक्स मार्क्स. सनराइजर्स लिमिटेड वॉज फॉर्म ऑन 1 नवंबर 2021 विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इन टू इक्विटी शेयर ऑफ 20 each. इट ऑफर्स 95% शेयर टू द पब्लिक विच वर ऑल सब्सक्राइब फॉर. 60% अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 30% अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. द एप्लीकेंट पेड 11,40,000 ऑन एप्लीकेशन एंड 5,40,000 ऑन अलॉटमेंट. Final call was not made by the company till the balance sheet date. You are required to prepare an extract of balance sheet showing share capital and notes to account. सवाल में कहा है कि एक सनराइज लिमिटेड का जो गठन हो रहा है वो 1 नवंबर को हो रहा है और 20 लाख के कैपिटल के साथ, जबकि एक शेयर की वैल्यू 20 रुपये बताई जा रही है और 95% ऑफ द शेयर्स को इन्होंने सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को ऑफर किया है और जिसका 60% यानी कि 20 रुपये का 60% 12 रुपये एप्लीकेशन के साथ मांगे जाएंगे. 30 का मतलब होता है कि 6 रुपये आप अलॉटमेंट में देंगे और जो बाकी पैसे बचेंगे वो आप फाइनल कॉल के साथ देंगे. और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 11,40,000 रुपये रिसीव हुई है. अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि फेयर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है. फिर 5,40,000 अलॉटमेंट मिला है. अब यहाँ भी पता करना पड़ेगा एरियर कितना हुआ है और फाइनल कॉल नहीं की गई है और आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है और जिसमें शेयर कैपिटल के पॉइंट को खासकर शो करना है. नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है. सवाल बहुत आसान है, बस बैलेंस शीट में दिखाना है कि शेयर कैपिटल को किस तरह से शो करना है नोट्स टू अकाउंट के साथ. तो चलिए मैं बोर्ड पर आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूँ. सॉल्यूशन में मैंने सब कुछ फॉर्मेट में सब रेडी करके रखा हुआ है. देखिए ये बैलेंस शीट बना बना दी है, नोट्स टू अकाउंट रेडी है. देखिए बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाना है कि सिर्फ यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट मांगा है आपसे. एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब है सिर्फ एक पार्ट या एक अंश आपको दिखाना पड़ेगा. तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हमने इक्विटी लायबिलिटी का हेड खोला, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल. अब यहाँ कैपिटल कितनी होनी है ये आपको नोट्स टू अकाउंट में पता चलेगा. तो ये इतनी से बैलेंस शीट बननी है और इसका नोट्स टू अकाउंट ये नीचे रहा. नोट्स टू अकाउंट में हम शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करेंगे. शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, तो जब आप सवाल पढ़ेंगे तो 20 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, 1 लाख इक्विटी शेयर 20 रुपये वाले और ये आपका 20 रुपये हो गया. और इसके लिए डबल लाइन इसलिए खींच देते हैं, इसको काउंट नहीं करना होता है, खाली सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना होता है. उसके बाद इशूड कैपिटल 95% शेयर इशू हुए थे, तो 1 लाख का 95% 95,000, 20 रुपये का शेयर 19 लाख रुपये. ये बड़ी आसान सी बात है. अब अगले पॉइंट में आते हैं. यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेडअप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेडअप. आप सवाल में देखेंगे तो उसमें फाइनल कॉल की नहीं है इसलिए फुल्ली पेडअप तो होगा नहीं, मैंने डैश कर दिया है. नॉट फुल्ली पेडअप में 95,000 शेयर्स पर 18 रुपये करके मांगे गए, 17,10,000 रुपये हो जाते हैं. उसके बाद उसमें 30,000 का कॉल सी एरिया रहा था वो मैंने माइनस कर दिया, तो 16,80,000 रुपये. यही 16,80,000 रुपये यहाँ से उठाएंगे और लाख प्लेस कर देंगे और आपकी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी. That's all. Question number 7 for 6 marks. Meeta and Sita sharing profit in the ratio of 2:1 decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2022 on which date their balance sheet was as under. दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, फर्म को डिसॉल्व करने जा रहा है, उस दिन बैलेंस शीट दी गई. बैलेंस शीट में क्या क्या है? क्रेडिटर्स सीता सन्स लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल. लैंड बिल्डिंग एसेट साइड में प्लांट मशीनरी, स्टॉक डेटर, डेटर्स प्रोविजन है और बैंक बैलेंस. कंडीशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है द पार्टनरशिप वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. नंबर 1, ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. सेकंड नंबर पॉइंट पर डेटर्स ऑफ ₹1,000 प्रूव्ड बैड. थर्ड पॉइंट, सीता टुक ओवर द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%. डी, रिलेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,100 वर पेड बाय द फर्म. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट. बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है. तो फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट किया है प्लांट मशीनरी को 10% कम पर और जो बाकी पैसे हैं वो नगद पे करना, बहुत आसान सा पॉइंट. और डेटर्स 1,000 बैड डेट हो गए हैं, इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट आपको रियलाइज हो जाएगा. सीता ने स्टॉक को 20% डिस्काउंट पर टेक ओवर कर लिया है और रिलेशन एक्सपेंस 1,100 रुपये हुए, वो भी फॉर्म ने पे किए हैं. आपको रिलेशन अकाउंट बनाकर दिखाना है. चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन बोर्ड पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशन अकाउंट बनाना है. जब भी आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है तो पहले आप अकाउंट बनाएं, साफ साफ बनाएं, पेंसिल स्केल से लिखें, इस पर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहते हैं. तो रिलेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट ट्रांसफर होगी, मैंने सारी एसेट ट्रांसफर की कैश बैंक बैलेंस को छोड़कर. इधर से लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी सारी और डेटर्स में जो प्रोविजन होता है उसको यहाँ क्रेडिट किया था, वो मैंने काम कर दिया. पहले ट्रांसफर जैसे नॉर्मल होता है मैंने वैसे नॉर्मली ट्रांसफर कर दिया. अब सबसे पहले पॉइंट पर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले डेटर्स की बात करता हूँ. पहले पैसा एसेट्स रिलाइज की जाएगी. तो डेटर्स की अगर बात करें, 1,000 बैडेट हुए थे, 26,000 में 25,000 रियलाइज करा दिए.
उसके बाद अगला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसे बुक वैल्यू पे या पार वैल्यू पे सोल्ड करना होता है। तो वो मैंने यहाँ रियलाइज करा लिया कि टोटल अमाउंट जो भी रियलाइज कराएंगे वो बैंक के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने कर लिया। उसके बाद स्टॉक को सीता ने टेकन किया था, मैंने स्टॉक को सीता कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करा दिया यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पर, और 20% कम था 3000 का 20% माइनस करके रिलाइज करा दिया। अब पैसे आ गए, अब लायबिलिटी का पेमेंट करने की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्रेडिटर्स का है, तो क्रेडिटर्स के बारे में देखिए ध्यान से क्या क्या बताया मैंने। क्रेडिटर्स हमारे पास थे 40,000 रुपये के, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी टेकन की 10% कम पे, तो 20,000 रुपये की प्लांट मशीनरी थी, इसका 10% अगर माइनस करते हैं तो 18,000 हो जाता है, तो 18,000 का वो प्लांट मशीन ले जाएंगे, तो 22,000 रुपये इनको हमें नगद पेमेंट करने पड़े, तो मैंने 22,000 यहाँ पेमेंट करा दिया। लोन के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं, तो फुल पेमेंट कर दिया, रिलेशन एक्सपेंस 1100 के दिए, पेमेंट करा दिया, एसेट लायबिलिटी कंप्लीट हो गई। एक और पॉइंट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि आईसी काउंसिल का एक इंस्ट्रक्शन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक डेबिट बैलेंस होता है, उसे सीधे बैंक में पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे सब डेबिट साइड जोड़ेंगे, लायबिलिटी घटाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो 4300 आंसर आएगा, दोनों को रेशियो में बांट देंगे और रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा।